नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त तो चला है, आओ बात करेगा। जी हाँ, इस वक्त देश में जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों से कैसे उबरना है, लोगों के जहन में अभी तक यही सवाल था। लेकिन अब सवाल और भी जहन में लोगों के आ चले हैं, क्योंकि इस कोरोना के डर के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के इस मरकज को जो मामला है वो लगातार गंभीर हो चला है। हालांकि मरकज को खाली करा लिया गया है, 2000 से ज्यादा लोग इस मरकज में शामिल हुए थे, लेकिन जो देश के कोने कोने में जाकर छिप गए हैं, और यही लोग अब देश के लिए चुनौती बने हुए हैं। और एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मर्ज और कर्ज छिपाने से बढ़ता है। कोरोना को लेकर भी इस वक्त यही कुछ हो रहा है, और दिल्ली जमात में गए लोग अलग अलग जगहों पर छिप गए हैं। प्रशासन ऐसे लोगों की खोज में भी लगा है, और चिंता तब और बढ़ रही है जब कोरोना पर आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो आओ बात करें, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। तो बिल्कुल, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और सवाल बहुत है, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। कोरोना से निपटने की चिंता के बीच चुनौती अब उन लोगों को चिन्हित करने की आ गई जो निजामुद्दीन मरकज से जाने के बाद इस महामारी में मूंछ पाए हुए बैठे। ये शुद्ध रूप से तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृति को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों की तलाश में तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच, प्रतापगढ़ और मथुरा में उन लोगों की खोज की जा रही है जो जमात में शामिल होने के बाद सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को क्वारंटाइन किया है। इतना ही नहीं, सर्च अभियान में लगी पुलिस की पिटाई तक की जा रही है। जमात में जाने वालों की जानकारी न होने की वजह से कोरोना का खतरा और बढ़ता जा रहा है। देश में जहां एक दिन में 386 मामले बढ़े, वहीं उत्तर प्रदेश में भी 12 नए मामले सामने आए। सूबे में तो कोरोना से होने वाली मौत के साए ने भी शिकंजा कसना शुरू किया। गोरखपुर और मेरठ में एक एक मौत के मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि इन दोनों लोगों ने भी अपनी जानकारी छिपा रखी। भारत में अभी तक टोटल 1637 COVID-19 के कंफर्म केसेस आए हैं, और कल से आज तक में 386 दैट इज 386 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। बहरहाल, वो लोग जो इस महामारी में अपना मुंह छिपाए बैठे हैं, उनसे R9 टीवी भी अपील करता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सामने आए। समय से सतर्कता आपके परिवार और देश दोनों को बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो रिपोर्ट में आपने सुना कि किस तरह से जमात से लौटे लोग, ये लोग देश के लिए चुनौती बन चुके हैं, खतरा बन चुके हैं, क्योंकि ये छिपे हुए हैं। बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, यही सवाल आज हमारा है। और मैं सर का रुख कर लेती हूँ और सर से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो रुख हैं यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है सर, और देखा जाए तो ये भी सवाल करे जा रहे हैं कि हमने प्रशासन को भी बताया गया, लेकिन जब प्रशासन को बताया गया, ठीक है, हम प्रशासन की भी मानते हैं कि गलती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग छिपे क्यों हैं, क्यों आखिर ये सामने नहीं आ रहे हैं सर? मैं तो हैरान हूं कि ऐसी परिस्थिति, वो भी बीमारी के संदर्भ में, मैंने नहीं देखी कभी। बीमारों को खोजने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो सकता है क्या? कोरोना जितना बड़ा खतरा नहीं, उतनी बड़ी
संकट और मुसीबत, ये मानसिकता है। ये लोग क्यों छुपे हैं? जो तबलीगी जमात से भागे वो भी, और जो सभ्य समाज में रह रहे वो भी। गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, देश के बड़े शहरों से हाई प्रोफाइल सोसाइटीज के अंदर 12 दिन से 15 दिन से बुखार में पड़े हैं। जब सांस उखड़ने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने छापा मारा, तब डाल के एम्बुलेंस में ले गए। क्यों भाई? हिंदुस्तान का इसी मानसिकता ने बेड़ा गर्क किया है इस लड़ाई में, अन्यथा कोरोना हिंदुस्तान का कोई बहुत नुकसान नहीं कर सकता था और कर भी नहीं रहा था। ये तबलीगी मरकज से जो लोग भागे, उन्होंने तो स्थिति को बद से बदतर कर दिया। ये राष्ट्र के खिलाफ द्रोह है। हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी ज्यादा सख्त लगे लोगों को मेरे शब्द, लेकिन राष्ट्रद्रोह है, ये शर्मनाक है, ये गंदी मानसिकता। आप क्यों छुप रहे हैं? अपने बुखार को छुपाकर आप देश के लिए संकट पैदा करना चाहते हैं? स्वेच्छा से क्यों नहीं जा रहे? हेल्पलाइन उपलब्ध है, फोन नंबर उपलब्ध है, टोल फ्री है, वहां फोन करिए, स्वास्थ्य विभाग के लोग आएंगे, आपका दुख सुख पूछेंगे, इलाज करेंगे, ले जाएंगे, क्वारंटाइन में रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, दवा होगी, आप ठीक होके आ जाएंगे। इतनी सी प्रक्रिया विधि है, इसका पालन नहीं हो पा रहा इस देश में। मैं देख रहा हूं देश भर में पुलिस के तमाम काबिल जाबाज अफसरों को सिर्फ इस काम में लगना पड़ रहा है कि भाई कोरोना वाले पकड़ो। अजब हाल है, अजब हाल। इस पर दुख व्यक्त करें, ग्लानि व्यक्त करें, आक्रोश व्यक्त करें, पीड़ा व्यक्त करें, क्या करें? कहीं आपने सुना कि कोरोना वाले बीमार को पकड़ने के लिए पुलिस लगाई जाए? आज पुलिस लगानी पड़ रही है, छापेमारी करनी पड़ रही है। ये जमाती भाग गए पूरे देश भर में, यत्र तत्र सर्वत्र। ये मौत की वायरस है, खुद तो प्राण देंगे ही देंगे, आत्मघाती बम की तरह बाकी को भी ले डूबेंगे। यानी किस किस को मृत्यु बांट आएंगे, संकट बांट आएंगे। इसलिए आज मैंने एके जैन साहब को भी आमंत्रित किया, हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। मैंने कहा जैन साहब से भी समझू कि ऐसा तमाशा कभी देखा उन्होंने अपनी जिंदगी में कि आप बीमार हैं इसलिए आपको खोजने के लिए एसटीएफ लगाई जाए। एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नेथानी ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस का उपयोग किया है ऐसे मरीजों को पकड़ने के लिए, तब जाके लोग पकड़ में आ रहे। इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती है क्या? ददुआ को पकड़ने के लिए यह काम हो समझ आता है, बीरप्पन को पकड़ने के लिए हो समझ आता है, हाफिज सईद को पकड़ने के लिए करना पड़े समझ आता है, छविराम पोथी लाला राम को पकड़ने के लिए किया गया हो समझ आता है। ये मुल्क में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मुझे उन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं जो अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं, उनका स्वागत है, देव कुर्बानी। लेकिन आपको यह अनुमति नहीं दे दी जा सकती कि आप बाकी लोगों को मृत्यु बांटे, यह संभव नहीं। जो लोग अपने को समझ रहे हैं कि वो विदेह हैं, देह उनकी है, देह को समाप्त कर सकते हैं, यह अधिकार है उनके पास। और जब आप नहीं रहेंगे तो कानून भी आपका क्या कर लेगा? लेकिन ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप खुले घूमे और मृत्यु बांटे और हिंदुस्तान को खतरे में डालें। मैं जैन साहब से बात शुरू करूंगा, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मैंने देखा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को इस बात के लिए 5-5, 6-6 घंटे बैठक लेनी पड़ रही है कि भाई कितने पकड़े गए, किस मस्जिद में मिले, कहां मिले, किस मौलाना के घर में कितने बरामद हुए, जकार्ता का, इंडोनेशिया का, अफ्रीका का, कहां कहां का आदमी। लग रहा पूरा विश्व भारत में ही आ गया था, वो भी उत्तर प्रदेश में।
तमाम काबिल अफसर इस बात के लिए जूझ रहे कि इनको ढूंढो, सर्च ऑपरेशन चल रहे, कोई जिला नहीं बचा जहां से ये 10-20-50 पकड़े नहीं गए हो। एक दृश्य तो मैंने जैन साहब ऐसा देखा जिसमें ताला लगा था घर के बाहर और घर के अंदर ये मिले। जैन साहब, आपने कभी इतने लंबे कार्यकाल में कभी ऐसा दृश्य देखा कि रोगी को पकड़ने के लिए पुलिस को लाभ लश्कर लेके छापामारी करनी पड़ रही हो? जैन साहब, ये एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है ये, और धर्म के नाम पर ये क्राइम कर रहे हैं। मैं तो ये बात कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिससे कि एक पूरे देश के लिए नज़ीर बन सके। और एक बार अरेस्ट हो जाएगी तो दूसरे लोगों को भी नसीहत मिल जाएगी। ये जाहिलपन का काम कर रहे हैं और इस जाहिलपन में ये पूरे देश को संकट में डाल रहे हैं। जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा? फिर वो भी ये सोचेंगे कि भाई ये हम लोग तो घर में बैठे हैं और कुछ लोग जो हैं वो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर ना पुलिस हाथ डाल रही है ना प्रशासन हाथ डाल रहा है, और कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज़ किया, ये देशद्रोह है। और ये जानबूझकर सब कुछ समझते हुए खुद गुमराह हो रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पूरे देश की जान को संकट में डाल रहे हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आलोक जी, वाजपेयी जी के समय में एक छत्तीस सिंह पूरा कांड हुआ था, वहां 30 लोग मारे गए थे, आतंकवादियों ने मार दिए थे। पूरे विश्व में उसकी अनगूंज हुई क्योंकि उसी समय क्लिंटन आ रहे थे भारत। लेकिन एक तबलीगी अब तक कितनों को मृत्यु बांट चुका हो इसका अंदाजा नहीं, 100 के पार का आंकड़ा तो इन्हीं का है पॉजिटिव पाए जाने का, 15-20 उसमें अल्लाह को भी प्यारे हो गए। कितने भारतीयों का जीवन ये लोग संकट में डाल चुके होंगे, ये आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक घटना नहीं है क्या? ये भारत के खिलाफ युद्ध से युद्ध जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी क्या? युद्ध होता है आमने सामने भारत पाकिस्तान का, बात समझ आती है, लेकिन ये तो गली में मोहल्ले में गांव में खेत में खलिहान में युद्ध हो रहा है, कोई भी किसी को छू के मृत्यु बांट रहा है। कोई जकार्ता से आया, कोई इंडोनेशिया से, कोई मलेशिया से, कोई थाईलैंड से, कोई कहीं से, और वो छुपा कहां है? खतौली में। बताइए कहां इंडोनेशिया, कहां खतौली, कहां जानसठ? अजब तमाशा है। मथुरा में छुपा मिल रहा है थाईलैंड का आदमी। आलोक जी, क्या स्थिति है भारत की, क्या तस्वीर बन रही है? प्रताप जी, पूरी दुनिया इस समय इस वायरस से ग्रसित है। 870,000 संख्या तो उसके पीड़ितों की पहुंच चुकी है और 42,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये बहुत गंभीर बात है और इनको जो मरकज वाले हैं उनको देखना चाहिए कि जब काबा शरीफ और मदीना बंद कर दिया गया 27 फरवरी को, वहां सरकार का आदेश हो गया कि हम कोई भी उमरा वाले को आने नहीं देंगे और जो मस्जिद है वहां पे नबवी उसकी जियारत करने के लिए नहीं जाने देंगे, तो खुद अपने आप पे बाहर है जो इस्लाम का सबसे बड़ा सेंटर है वहां की जियारत से रोक दिया गया, तो कोई कारण रहा होगा। कोरोना वायरस तो ये देखेगा नहीं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, वो तो जिससे संपर्क हुआ है उसको ही जप लेगा। ये इनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है जी, जबकि 12 एयरपोर्ट में भी सख्ती हो गई थी और 12 मार्च के बाद से जब जितने लोग भी आए सबको सेल्फ क्वारंटाइन करने का निर्देश अनिवार्य रूप से दिया गया था। 17 देशों से इन्होंने लोग बुला रखा था, चाइना से निकले हुए इस वायरस का जो सबसे पहला हमला हुआ वो थाईलैंड में हुआ था और थाईलैंड के और चाइना के लिए पूरे विश्व में फैला
और आप सोचिए जो इनके यहाँ जो लोग पकड़े गए विदेशी 250 से अधिक, वो थाईलैंड के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के जो जो बैठ है वही चाइना के नजदीक की, जहां पर सारे ये लोग शामिल थे, वहां पर भी इन्होंने एक इस्तेमाल किया था जिसमें से लोग निकल करके सीधे भारत भारत में आए। और आज आप देखिए कि 2361 लोग आज सुबह तक निकाल दिए गए, पूरा खाली कर दिया गया मरकज, उसमें 617 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, 24 तो पॉजिटिव है, कश्मीर से लेकर के अंडमान तक जमात के लोग गए और वहां पे इन्होंने फैलाया। अगर अंडमान में पकड़े नहीं गए होते, वहां पर लोग बीमार नहीं पड़े होते, तब तो पता ही नहीं लगता, तो देश को मालूम नहीं पड़ता कि ये जमात नाम की भी कोई चीज है जो कोरोना बांट रही है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। आलोक अवस्थी, तेलंगाना में जी 7 लोग मर गए, दिल्ली में 1 मर गए। आलोक अवस्थी आप ठीक बात कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं इससे भी आगे जाके आतंकवादी घुसपैठ करें, स्लीपर सेल आए, एक्टिव हो तो आईबी उसका हिसाब रख ले। इसका क्या करें, क्या करें आईबी और क्या करें सेना? सेना भी कुछ नहीं कर पा सकती। आप अपने घर में बैठे हो, सुबह शाम टहलने गए, 10-20-50 लोगों को निपटाए, फिर आके बैठ गए घर में। बाकी युद्ध हो तो आमने सामने में लड़ाई तो लड़ी जाए। ये भारत के खिलाफ एक ऐसी परिस्थिति बन गई और छुपे फिर रहे आप। आप देखिए आप अमिताभ जी युद्ध में भी कभी भारतीय रेलवे नहीं बंद करी गई है। ठीक बात, कई युद्ध देखे कभी भारतीय रेलवे बंद नहीं हुई है। पहली बार भारतीय रेलवे को बंद करना, सारे हवाई अड्डो को बंद, हवाई जहाजों को उड़ना बंद कर देना, आपको उसकी गंभीरता का अंदाजा ले लेना चाहिए। लेकिन अगर ये जमात के लोग नहीं मान रहे हैं तो मुझे लगता है पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, इन सब के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए और इनको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और ये अपराधियों पर सठे साठे अनजाने शिकार हो गए, जो इनको सामने आना चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया सठे साठ्यम समाचरेत। माँ यति चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ फोन पर हैं और अब्दुल हमीद नोमानी साहब भी शायद फोन पर हैं जैसा मुझे बताया गया। चेतनानंद सरस्वती जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मेरा सवाल, भारत इलाज की व्यवस्था में लगे, भूखों को भोजन की व्यवस्था में लगे, गरीब के घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था में लगे, लॉकडाउन का पालन कराने की व्यवस्था में लगे, या इनको ढूंढे? सैल्यूट है क्योंकि आप इस वॉर के वॉरियर हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं अमिताभ जी जो अपनी जिम्मेदारी को नकार रहे हैं। कर्तव्य तो भारत में रहने वाले हर नागरिक का ये बनता था कि जब प्रधानमंत्री दो बार देश को जल्दी में एड्रेस कर रहे थे तो उस समय ये कर्तव्य बनता था हर नागरिक का कि वो सामने निकल कर आए और स्वयं से जिम्मेदारी ले कि मैं बीमार हूँ, मेरा टेस्ट करा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए क्योंकि ये मानवता के विरोधी लोग हैं, ये बंद निकाय में जीने वाले लोग हैं और इनको ढूंढकर एक मस्जिद में कैद करके रख देना चाहिए। अल्लाह अगर इतना इनायत करने वाला है तो अल्लाह ही बचा लेगा। देखिए अमिताभ जी, ये हमारे नवरात्रों का व्रत चल रहा है इस समय। हम लोगों ने मंदिर बंद कर दिए, जहां अखंड यज्ञ हम लोग आयोजित करते थे, जहां मेले लगते थे, लाखों लोगों का आना जाना रहता था। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर हम लोगों ने सारी अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप थे, जो पूजा अर्चना थी, उसको अपने तक सीमित करके हम लोग जहां थे वहां आइसोलेट हो गए। लेकिन आज स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। मानव बम के रूप में घूम रहे हैं, इनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इस पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कोई भी मर्सी इन लोगों से दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माँ यति चेतनानंद जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। हमारे साथ मुस्लिम धर्म गुरु अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, विचारवान आदमी। नोमानी साहब,
मैं दो दिन से तीन दिन से ये सोच रहा, बीमारी अगर है तो उसको उजागर करना, हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने जाना और उसके इलाज की व्यवस्था कराने की बजाय कोई संभल में, कोई जानसठ में, कोई खतौली में, कोई वृंदावन में, कोई बहराइच में, कोई बांदा में, कोई बबेरू में, घरों में, तहखानों में छुपा क्यों है नुमानी साहब? इसके पीछे क्या मतलब है? इंडोनेशिया का आदमी नजीबाबाद में छुपा मिल रहा है, मलेशिया का आदमी जानसठ में छुपा मिल रहा है, घर के बाहर ताला, ताला तोड़ के अंदर गए तो वहां चार मलेशिया के बैठे, ये क्या है भाई? सामने क्यों नहीं आए कि हमको तकलीफ है, बीमारी है, इलाज करो? कम से कम बाकी तो बचते, उनका जो होता होता, बाकी तो बचते, उनको ढूंढने के लिए पुलिस लगाई गई, एसटीएफ लगाई जा रही है, सर्विलांस पर लिया जा रहा है, ये क्या तस्वीर बन रही है नोमानी साहब? देखिए, जिसको बीमारी है उसको बिल्कुल सामने आना चाहिए, और वो हुआ ये है कि एकदम इन लोगों ने जो जमात और जोड़ जो इनके यहाँ होता है तब्दीली जमात वालों के यहाँ, कि इस महीने में जो है वो कहाँ कहाँ आपको जो है आध्यात्मिक जो है वो काम के प्रसारण के लिए जो है और लोगों को बताने के लिए जाना है, उन्होंने अलग अलग भेज दिया, और अचानक जो है ये जो लॉकडाउन हुआ है तो उसमें वो सारे लोग फंस गए। लेकिन जिनको जो है किसी तरह का जो है बीमारी का जो है असर है या प्रभाव है उसको बिल्कुल जो है वो सामने आना चाहिए। कुछ लोग जो है वो फंसे हुए हैं और जो है कुछ लोग एक नोमानी साहब एक बात बताओ, नोमानी साहब घर के बाहर ताला लगा के अंदर बैठे क्यों हैं? अगर फंसे भी हैं तो दरवाजा खोल के बैठ सकते हैं? नहीं नहीं, वो ये गलत है, ताला लगाना बिल्कुल गलत है। ये क्या भाई तमाशा हो रहा है? ये तो सरकार ने ताला लगाने के लिए थोड़ी कहा है, ये कहा था आप जो घर में बैठे, हम देखिए 22 तारीख से एक मिनट के लिए हम जो है सड़क पे नहीं निकले, बिल्कुल अपने रूम में है। आप अलग व्यक्ति हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि बताइए भारत की पुलिस और बाकी सब व्यवस्था एजेंसियां गरीब को राशन, बीमार को दवा, लॉकडाउन की व्यवस्था, जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, ये इंतजाम देखे कि जानसठ में जाके छापेमारी करें? नहीं नहीं, ये क्या तमाशा हो रहा है मुल्क में? गलत है, जिसको बीमारी है वो बिल्कुल सामने आए, और आपने देखा होगा कि पूरे देश में जितने भी जो है सम्मानित और जो है विख्यात जो है वो मदरसे हैं और जो है जितने उलमा है सबने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार जो है वो सामने मस्जिद होते हुए अपने रूम में मैंने नोमानी साहब नोमानी साहब पढ़ी है नोमानी साहब जुमा की नमाज नहीं पढ़ी। आपको, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मैं एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक बात याद दिला दूं, एक मिनट मैं आपको एक याद बात याद दिला दूं, जहां तक मेरी जानकारी है तबलीगी जमात में दो गुट हैं, एक गुट ने कोरोना के भय को देखते हुए, कोरोना के प्रभाव को देखते हुए सारे जोड़ घटाना बंद कर दिए थे, ये केवल यही मौलाना थे जिद पर जो बोले करेंगे। और सुनिए, पाकिस्तान में भी 13 मार्च को इसी तबलीगी जमात ने एक कार्यक्रम किया आयोजित, 2 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, मौलाना मंच पर आए, कुल घड़ी देखकर 4 मिनट 3 मिनट दुआ कराई, 2 मिनट में कहा अल्लाह के लिए तुरंत घर जाओ और घर से बाहर मत निकलो, ना नमाज के लिए ना किसी काम के लिए। वहां भी ये हो गया, यहां ये गुल्ली डंडा खेल रहे थे निजामुद्दीन में, तहखाने के अंदर तहखाना, और अब आदमी छुपा घूम रहा है अंडमान तक में, कोरोना फैल रहा है। ये जो है वो मौलाना ने सही किया कि आप घर जाइए, आपकी नमाज जो है वो घर में भी हो जाती है, और हमने खुद जो है हिंदी जो है और उर्दू अंग्रेजी में पोस्ट लिखी और जो है जमात वालों से कहा, मैंने कहा कि जब जो है शरीयत ने उसका विकल्प रखा है कि आपकी नमाज घर में भी हो जाती है, ये कोई आदमी शौक नोमानी साहब घर में नहीं पढ़ रहा है, नोमानी साहब आप जो है वो घर में जो है वो नमाज पढ़े, ये तो हमने भी लिखा है नोमानी साहब, एक पॉपुलर डिमांड है देश में, नोमानी साहब एक पॉपुलर डिमांड है देश में, वो बाहर से आए हैं और कहां कहां सुनिए, एक मिनट सुनिए अब्दुल हमीद नोमानी,
ऐसी हरकतों के खिलाफ, अरे पॉपुलर डिमांड है कि इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वॉर अगेंस्ट नेशन का मुकदमा। आप इस बात का समर्थन करेंगे कि जो लोग बाहर से आए थे, नहीं आप इस बात का समर्थन करेंगे कि नहीं फौरन जो है वो मरकज में जाना चाहिए, अब्दुल हमीद नोमानी ताकि कौन लोग ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, आप इस बात के हक में हैं कि नहीं? हेलो जी, ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, आप इस बात के हक में हैं कि नहीं? देखिए मैं, देखिए जो लोग जो है वो जानबूझकर जो है इस मामले को खराब कर रहे हैं और जिन्होंने जो है बीमारी को आगे बढ़ाने का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये कहने से नहीं होगा। वो मरकज के लोग कह रहे हैं कि हमने फौरन जो है सूचित किया था, सूचना दी थी सरकार को, ये सब बातें ठीक नहीं। ना ना आप फिर ढोल ढाल मेल कर रहे हैं नोमानी साहब, ना ये भी तो है, ना 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 नोमानी साहब ठीक है, मैं आलोक अवस्थी के पास फिर से चलूंगा, और लेकिन नोमानी साहब की बात पर एक बात कहेंगे। 22 मार्च को निजामुद्दीन थाने के इंस्पेक्टर ने, एसएचओ ने मरकज के कर्ता धर्ता लोगों को बुलाया था, बहुत सख्त लहजे में कहा था भीड़ भाड़ से बचिए, ना 22 मार्च ने, ये कार्यक्रम से पहले जब कार्यक्रम होने का ये लोग इजाजत मांग रहे थे, तब उन्होंने कहा था भीड़ भाड़ यहां नहीं होनी चाहिए, वो वीडियो सार्वजनिक है, इसलिए इन बातों में कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूं हाथ पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब पूरी दुनिया में बवाल मचा है, पूरी दुनिया आतंकित है आलोक जी, तब ये बात इसके लिए न्योता दिया जाएगा कि आप लोग अस्पताल पहुंचो। अंडमान, असम, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु सब तो सुलग गया इन्हीं के चलते। अरे भाई धर्म का प्रचार उसके बाद नहीं हो जाता? अमेरिका में जमाते तबलीगी जमात के दफ्तर खुद बंद है, ब्रिटेन में बंद है, दुनिया भर में इस जमात का के दफ्तर है, बड़ी जमात है लेकिन दुनिया भर में दफ्तर बंद है। ये भारत में ही ये धर्म का प्रचार अभी करना था जो मौत का प्रचार हो गया। आलोक अवस्थी, अमिताभ जी सोचना चाहिए कि जब काबा शरीफ बंद हो गया है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा संदेश है। वेटिकन बंद है, जो धर्म का प्रचार वेटिकन करता है ईसाई धर्म का है। हम लोगों ने होली नहीं मनाई, इस बार होली का त्योहार पड़ा, आपको मालूम है मार्च का, जी जी, लोग घर से बाहर नहीं निकले होली में इस बार। तो सीधी सी बात यह है कि जो धर्म का प्रचार करें अच्छी बात है, लेकिन समय अनुसार करें। मैंने मौलाना साहब साद की तकरीर सुनी है, वो कहते हैं कि ये इस्लाम को बांटने का एक बहाना है, लोगों को मस्जिद से दूर करने का बहाना है। जिनको पुलिस ढूंढ रही है, आप जो है मस्जिद में आइए, मस्जिद में मरेंगे सवाब मिलेगा। तो ये बात मान के चलिए कि आप अगर कुरान का पालन कर रहे हैं 100% मुसलमान है, शरीयत का पालन कर रहे हैं, तो जरूर अल्लाह ताला आपके खाने की थाली भी घर में भेजेगा। लेकिन जब आप पूरे 100% मुसलमान है नहीं, आप अपने हिसाब से नियम को मानते हैं, बाकी नियम छोड़ देते हैं, तो वहां पर फिर दुनिया का कानून लागू हो जाता है, वहां पर अल्लाह का कानून खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो उनके लिए है जो 100% उनकी बात मान रहा है। तो जो सुविधा भोगी है और इस तरीके का एक जहालत वाली बात मैं कहूंगा कि ये जहालत का विषय था, जिस समय पूरे देश में भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करने की बात थी, यहां तक कि 12 तारीख को अपॉइंटमेंट एक्ट लग गया था दिल्ली में और पूरे देश में, 13 तारीख को दिल्ली सरकार ने कहा था कि 200 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, 16 तारीख को वही 50 लोगों की के बारे में कहा गया, वही 19 तारीख को 20 लोगों की लिमिट कर दी गई कि आप इकट्ठा नहीं होंगे। उसके बाद से भी वहां पर 14, 15, 16, 8,000 से अधिक लोग वहां पर आए और 22 तारीख तक तो वहां पर 2,500 लोग पहले से मौजूद थे। तो यानी कि आपने सरकारी सूचनाओं का कोई ध्यान नहीं दिया, आपने पढ़े लिखों का मजमा था भाई, करेला नीम चढ़ा, हैरानी ही, ये पढ़े लिखों का मजमा था, ये ज्ञान देने वालों का मजमा था। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी,
कि इसको अभी लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार है, ये मुसलमानों के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। मुझे ये कहना है कि 2018 में बुलंदशहर के अंदर तबलीगी इज्तिमा हुआ था बहुत बड़ा, 15 लाख से अधिक आदमी आए थे, यही भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की थी जिसने वहां पे सारे सहूलतें प्रदान करी थी और जो भारत सरकार थी, तो हमने तो नहीं रोका था उस समय आपको। अगर हम अभी आपको रोक रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं होली नहीं मनाऊंगा, तो गंभीरता समझनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात नहीं आता है, ठीक बात आलोक वस्ते। एके जैन साहब, मैं आपसे एक चीज समझना ही चाहूंगा, चूंकि आप बड़े ओहदों पर रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को लीड किया, ये जो विदेशी आते हैं टूरिस्ट वीजा पर, क्या ये धार्मिक कार्यक्रमों में इस ढंग से शिरकत कर सकते हैं, एक, और दूसरा क्या ये फ्रीक्वेंट विजिट कर सकते हैं देश में कहीं भी किसी भी शहर गांव कस्बा में, या कुछ इन पर प्रतिबंध लागू होते हैं कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करिए, लोकल थाने के पास आपका डिटेल होना चाहिए, या अगर आप टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं तो ये काम नहीं कर सकते, ऐसी कुछ व्यवस्था है, कुछ नियमावली है? देखिए, इसमें कोई बहुत फाइन डिस्टिंक्शन नहीं है, टूरिस्ट वीजा पे ही लोग आते रहे हैं और टूरिस्ट वीजा पर ही आके ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। ये इसके ऊपर चाहे पासपोर्ट एक्ट में तब्दीली करनी पड़े, इसमें तब्दीली करनी चाहिए, और ये इनके लिए नियम है कि ये लोकल थाने पे रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे वहाँ पर कि हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर इतने समय से। होता क्या है जी? बहुत से लोगों ने मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले रखा है, एंट्री वीज़ा ले रखा है, और ये बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मुझे बड़ी हैरानी है कि 34 लोग म्यांमार से आ गए, जहाँ पर कहते हैं बड़ी गरीबी है वहाँ, 34 लोग वहाँ से आए, किर्गिस्तान से आ रहे हैं। ये इस सबको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में देश में घूम रहे हैं ये विदेशी, क्या क्या कर रहे हैं। 3 महीने से पूरे विश्व में हंगामा है, 31 दिसंबर को पहला केस डिटेक्ट हुआ था, तब से हंगामा, महीनों से 15 दिन से ऊपर हो गया इंटरनेशनल फ्लाइट जी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं, इन सबको वापस चले जाना चाहिए था। जब इनको मालूम था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने जा रही हैं, इनको सबको अपने अपने टिकट कटाकर अपने देशों को वापस जाना चाहिए था। ये यहां छुपे घूम रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही साहब आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सबके वीजा जी, मैं इसी बात पर नोमानी साहब से सवाल लूंगा। नोमानी साहब उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे एके जैन साहब, उन्होंने बड़ी मौलिक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, तर्कपूर्ण। सरकार ने 3 दिन पहले ये अनाउंस किया कि 22 तारीख को रात 12 बजे से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देंगे, आना जाना सब बंद। ये लोग तत्काल अपने देश वापस क्यों नहीं चले गए? इस अनाउंसमेंट के बाद तो 3 दिन जहाज उड़े ना, ये जानसठ क्यों गए, ये गजरौला क्यों गए, ये मबाना क्यों गए, वहां मस्जिदों में क्यों छुपे? इन्होंने भी तो ये अनाउंसमेंट सुना होगा नुमानी साहब कि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होने जा रही है फला तारीख को, तो और समझदार आदमी होता तो कहता चलो भैया अपने देश पहुंचो, यहां बवाल है। ये लोग किस मंशा से फिर यहां रुके जब इंटरनेशनल फ्लाइट भी बंद हो गई? नुमानी साहब, अच्छा नोमानी साहब ने, लेकिन हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं इस वक्त। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, नमस्कार। दिनेश शर्मा जी, मुझे बड़ी पीड़ा है, बड़ा क्षोभ है कि जिस वक्त हमारे सरकारी अमला को गरीब की राशन की चिंता करने में ऊर्जा लगानी है, बीमार के इलाज में ऊर्जा लगानी है, लॉकडाउन के प्राविधान लागू कराने में ऊर्जा लगानी है, किसान की खेती बचे उसमें ऊर्जा लगानी, उस वक्त उसको छापेमारी में ऊर्जा लगानी पड़ रही है कि लोगों को ढूंढो, वो जानसठ में छुपे हैं, गजरौला में छुपे हैं, मवाना में छुपे हैं, कोई मस्जिद में छुपा है, कोई तहखाने में छुपा है,
ये तो अजब हाल है, हम लोगों ने कभी नहीं देखा और कभी सोचा भी नहीं था कि बीमार भी अपनी बीमारी छुपाने के लिए छुप जाएगा और उसके लिए टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं देखिए अग्निहोत्री जी, बहुत बड़ी ये लापरवाही भी है और जानबूझकर ऐसा कृत्य है जिसने खुद को भी परेशानी में डाला है और अपने कारण हजारों लोगों को जो उनके संपर्क में आएंगे उनको भी परेशानी में डाला है। पूरा जो अमला है, अब आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश की कई जिले हैं जहां से खोजा जा रहा है कि जमात में मरकज में शामिल हुए लोगों की सूचियां आ रही हैं, उन सूचियों के आधार पर उनकी खोज हो रही है। ये जो हम समय दूसरों की सहायता में लगा सकते थे, हम खाद्य सामग्री पहुंचाने में लगा सकते थे, सेंट्रलाइज करने में उसका मॉनिटरिंग में अपना समय कर सकते थे, उसमें उन लोगों को खोजने में आज लग रहा है। खोजने के बाद क्वारंटीन में डालने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनका अनुपालन न करने की भी सूचनाएं कई जगह से आई हैं, तो ये उचित नहीं है और ये एक ऐसा समय है जिसमें सबको एक दूसरे का पूरक बन के काम करने की आवश्यकता है। ये जाति और धर्म से ऊपर का मामला है, इसमें किसी प्रकार का अगर कहीं पूजा नहीं हो रही है तो इसकी कोई शिकायत नहीं कोई करने वाला है, अगर नमाज नहीं हो पा रही है तो इसकी कोई शिकायत करने का उचित नहीं है, कि पहले जान है तो जहान है। इस मकसद से आज सारे लोग मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं इस बीमारी से, तो ऐसे समय इस प्रकार के जमात और मरकज को आयोजित करना, बैठना, सम्मेलनों को करना और कई कई हजार लोग एक जगह पे एकत्रित हों और कई कई लोगों की मौत भी हो जाए उसके बाद और उनका जो संक्रमण है वो चारों तरफ फैले, जो लोग उनके टच में आए हैं, और फिर सरकारें अलग अलग प्रदेशों की सरकारें ढूंढें कि जमात में शामिल हुए लोग, मरकज में शामिल हुए लोग कहाँ कहाँ छुपे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कठिनाई की भी बात है और ये वही 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 दिनेश में वही हैरान था, पूरे देश की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इस वक्त जमाती ढूंढने में लग गया, क्योंकि जमाती आदमी मिलेगा नहीं तो मृत्यु का खतरा रहेगा, पता नहीं कितनों को मृत्यु बांट दे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसके कारण बहुत बड़ा समय हमारी सरकार का भी लगा है। अब लखनऊ में देख लीजिए कई लोग पकड़े गए हैं, तो 104 लोग क्वारंटाइन जो जमात में शामिल थे उनको बुला के आगरा में उनको क्वारंटीन कराया गया है। तो अलग अलग जगहों पर ऐसे लोग हैं जिनकी सूचियां आ रही हैं, 4 लोगों की आगरा में सूची आई थी, पता चला वो लोग दिल्ली में ही हैं, 2 दिन तक उनके ढूंढने में समय गया, बाद में जब ढूंढने के बाद पता चला तो पता चला वो दिल्ली में ही कहीं हैं। तो इस प्रकार से एक एनर्जी को दूसरी जगह जो सकारात्मक हम कर सकते थे उसको नकारात्मक कार्यों की तरफ लगाने से मैं समझता हूँ ये किसी का हित नहीं है। इसमें लोगों को स्वयं से संज्ञान भी लेना होगा, धार्मिक कृत्य हम अपने घर से कर सकते हैं, इसकी मान्यता सभी हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में दी गई है। रामनवमी ऐसा बड़ा पर्व है लेकिन घर से मनाने का निश्चय हुआ, आज अष्टमी हुई है, अष्टमी लोगों ने घर से देवी माँ की पूजा करा है, मंदिरों के कपाट आज भी बंद दिखाई पड़े हैं, तो इसमें किसी की ना तो मान है, मर्यादा का मर्दन है और ना ही कोई सम्मान जाने वाली बात है। इसमें एक देश में एकजुटता का भाव अपनी सुरक्षा के लिए दिखाने की आज आवश्यकता पड़ी हुई है और मैं समझता हूँ कि आप ऐसे लोग जब इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो लोगों तक का जन जागरण होगा और लोग इस बात को बेहतरी से समझेंगे कि उनके द्वारा ये कृत्य धार्मिक कृत्य से ज्यादा असामाजिक कृत्य है, कि हमने समाज के विरोध में इस प्रकार का कार्य किया है, 2500 लोग छुपे हुए हों जी, बिल्कुल तो ऐसा ऐसा धार्मिक कृत्य किस काम का कि हम एक साथ उनके अपने के ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हों और अपने साथ में जो भी हमारे संपर्क में आया हो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हम काम करें, तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये उचित दिनेश जी नहीं है। दिनेश जी एक प्रश्न मेरे जहन में है, आप साथ हैं तो पूछ लेता हूँ। एपिडेमिक एक्ट में जो प्रावधान है बीमारी छुपाने का, उसमें जो दंड का प्रावधान है वो बहुत पुराना है और बहुत गैर वाजिब है। अब जब ऐसी ऐसी हरकतें आने लगे, ऐसे ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं, ये मंजर तो पहली बार सामने आया ऐसा, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता और कड़ा करने की जरूरत पड़ जाती है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता? दिनेश जी
राष्ट्र के खिलाफ युद्ध है। निश्चित रूप में इसको कह दूं, एक तरफ तो युद्ध है कोरोना के खिलाफ जी, और दूसरी तरफ हम युद्ध कर रहे हैं अपनी मान्यताओं में, राष्ट्रीय बात को न माने इस बात का, तो ये विरोधाभास है आपस का, और इस प्रकार से चीजों से हम अपने को स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। हम उम्मीद करें कि जितने भी लोग, जिन लोगों ने ये अपने को छुपा लिया, अचानक से ताला बंद कर लिया, तहखानों में छुप गए, देश भर में जिनके लिए ढूंढ मची, एसटीएफ लगानी पड़ी, सर्वेलांस लगानी पड़ी, इन सब लोगों को कम से कम उत्तर प्रदेश में जो ट्रेस किए गए हैं, इन सब के विरुद्ध कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप में इसकी प्रदत्त धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा भी दायर होगा, और जो भी कार्रवाई कानून जिसके लिए अलाउ करता है उसका प्रयोग भी होगा। ये कानूनन अपराध है कि हम अपने को तो असुरक्षित किए ही, हमने दूसरों को भी असुरक्षित कर दिया, और हमने बीमारी को छिपाया, ये भी एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। नहीं दिनेश जी, मुझे लगता है अगर मान लीजिए कुछ लोग विधेय हो जाएं और अपने प्राण खुद त्यागना चाहें, चलिए वहां तक बात समझ में आ सकती है, आदिकाल में भी ऐसे उस प्रसंग मिलते हैं कि भाई ठीक है जीवन सुख गए, लेकिन ये तो दूसरों के जीवन को संकट में डाल रहे, जहां जा रहे वहां 100, 200, 500, 1000 आदमी को स्पर्श कर रहे, करेंगे तो इन्फेक्टेड करेंगे। ने अपने प्राण तो डाले डाले संकट में, दूसरों को भी डाले हैं जी, ये उचित प्रक्रिया नहीं है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमसे बात करने के लिए। जैन साहब, जैन साहब, आपने सुना डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, जो बात हम लोग कह रहे थे लगभग वही चिंतन सरकार का भी है, लेकिन मुश्किल यह है कि अभी जो कानून है हमारा महामारी एक्ट, वो बड़ा लचर कानून है जैन साहब, नहीं? एके जैन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो लगता है। अच्छा शायद जैन साहब तक आवाज नहीं। आलोक अवस्थी जी, वही सवाल आपसे जो मैं जैन साहब से पूछ रहा था, जो महामारी एक्ट है हमारा वो बड़ा शिथिल है, ठंडा ठंडा कूल कूल, बहुत पुराना एक्ट है, अंग्रेजों के जमाने में बना था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई मरकज होगा, कोई तबलीग होगी और ऐसा बवाल हो जाएगा कि पूरा देश तबलीगी ढूंढो इस प्रतियोगिता में लगा, हर राज्य इस युद्ध में लगा है, गरीब की चिंता करता, बीमार की चिंता करता, राशन की चिंता करता, हम उत्तर प्रदेश की बात करें 5-10 करोड़ लोगों को राशन बंटना है, कप्तान साहब उसमें व्यवस्था करें, एसडीएम साहब, डीएम साहब के तबलीगी ढूंढें, बताइए अवस्थी जी। ये बात आपकी सही है अमिताभ जी, और ये इस तरह की महामारी भी बहुत सालों, मतलब 100 साल के बाद आयोगी प्लेग के बाद ये शायद महामारी, हाँ, प्लेग के बाद की महामारी है जी, 100 साल। तो इसलिए अब इसमें सरकार जो ये जो पहला मौका मिला है, और इन तबलीगी जमातों की वजह से अगर हम बच जाएंगे जिंदा, तो जरूर जो है फिर अपेंडिक एक्ट में चेंज करेंगे। अभी तो स्वयं को बचाने की बात है, समाज को बचाने की बात है, और इन तबलीगी जो ये टाइम बॉम्ब है इनको भी बचाने की बात है, क्योंकि जब ये बचेंगे तो समाज बचेगा। और ये सबसे पहले अपने जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के बीच में अपना मूवमेंट कर रहे हैं, ये सबसे पहले उन्हीं को भी मार करेंगे। नहीं नहीं आलोक जी, आपने अगर आपने मौलाना साद का वीडियो सुना हो ऑडियो, तो मौलाना साद का जो चिंतन है वो बड़ा खतरनाक चिंतन है। वो कह रहे हैं ये कोरोना वोरोना साजिश है, एक ही थाली में खाओ, गले मिलो, अगल बगल बैठो मुसलमानों, और मस्जिद में आप तो आओ आओ, बकरी ऊंट बैल भैंस भी ले आओ, सवाब यही मिलेगा। अब बताइए ऐसे चिंतन वाला व्यक्ति, उसको आप WHO के निर्देश तो नहीं समझा सकते, कोरोना से लड़ने का प्रोटोकॉल तो नहीं समझा सकते, जो आदमी करके बैठा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। अब बताइए कोरोना भी मुसलमान के खिलाफ साजिश? मौलाना साद जो है, बाकी जो है हम अब उनको बड़ा विद्वान माना जाता था, लेकिन इस तरह की
जहालत वाली बात करी है, वो कोरोना से लड़ने की बजाय कोरोना छात जाके खड़े हो गए। अरे जब जामा मस्जिद बंद हो गई, लोगों ने, मुसलमानों ने इस बार जुमे की नमाज घर में पढ़ी, मस्जिद में नहीं गए, कितना बड़ा त्याग करा है। आपको सोचना चाहिए कि जो है कि मुसलमान जो है देश के साथ में है जी। ये कुछ लोग जो इस तरीके से भड़काने की भावना कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये अपने आप में स्वयं खतरा है, और जो इनकी बात मान करके इनकी साथ चलेगा वो भी गुमराह होकर के खतरा बनेगा, अपने परिवार के लिए बनेगा, अपने दोस्तों के लिए बनेगा, अपने धर्म के प्रचार के लिए जिस मस्जिद में जाएगा वहां वो नुकसान करेगा। मुझे लगता है कि आप काफी आलोक अवस्थी ये प्रचार हुआ है, चेतनानंद जी से लेता हूं, आलोक जी को रोकता हूं। मौलाना साद ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, कोरोना कोरोना का हल्ला। मैं ये समझ नहीं पाया, कोरोना ने दुनिया के जिन मुल्कों को घुटनों के बल ला दिया, जो लहू लुहान हो गए मुल्क, वो इटली है, अमेरिका है, ईसाई बहुल देश है, चाइना है, वो भी मुस्लिम बहुल देश नहीं। अरे ईरान को भूल गए आप। आपने अब ये बताइए, सबसे ज्यादा नुकसान जिन देशों में हुआ वहां तो मुस्लिमों की साइजेबल पॉपुलेशन भी नहीं है, तो मुसलमान के खिलाफ ये कैसे? और अगर हम ये माने भी कि मुसलमान इससे अप्रभावित रहेगा, जैसा मौलाना अपने ऑडियो में वीडियो में कह रहे हैं जो हम लोगों के पास है, तो फिर उनको जवाब देना चाहिए ईरान में कैसे ऐसा हो गया। और मौलाना अगर मेरी बात सुन रहे हो जहां छुपे हो, तो ये जो तबलीग से गए थे इसमें भी 9-10-15 लोग मर गए, ये कैसे मर गए जो मौलाना का प्रवचन सुन के गए थे? चेतनानंद जी, और ये सोसाइटी में जो मूव करे, ये सोसाइटल बम मौत के सौदागर के रूप में सोसाइटी में मूव करे, सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक तरफ जब देश इस युद्ध में विजय, कोरोना के खिलाफ युद्ध में विजय पाने की कगार पर था, उस समय देश को ऐसे, देश की जनता को ऐसे गर्त में मौत बांटना, ये देशद्रोह के अलावा और किस श्रेणी में आ सकता है? पूरी दुनिया में मौत के इस कोरोना वायरस से हाहाकार, त्राहिबाम त्राहिबाम हो रहा है, लेकिन यहाँ के मुसलमान यहाँ सुसाइडल बॉम्ब बन के मौत बांटते घूम रहे हैं, पता नहीं किससे मिले, किसको छुआ, किसके साथ बैठे, किसके गले मिल गए, इतनी मौतें बांटी है इन लोगों ने, तो इससे सीधे सीधे देशों का जो जमात में शामिल थे उन लोगों को ट्रेस आउट करके, जहाँ शक्ति और ऊर्जा, आप खुद कह रहे हैं अमिताभ जी कि एक ऊर्जा लगनी थी या गरीबों को भोजन बांटने में, ऊर्जा लगनी थी बीमार लोगों का इलाज कराने में, इसके विपरीत ऊर्जा लग रही है जमातियों को ढूंढने में, तो ये देशद्रोह का मुकदमा इन पर 100% दर्ज होना चाहिए। और आपकी इस मुहिम का बहुत स्वागत है कि आपने समाज को बुलंद किया है। नहीं, मैं चेतनानंद जी मैं कहता हूँ इनके खिलाफ भी और बाकी सबके खिलाफ भी, जो लोग जान रहे हैं कि हमको कोरोना है या बुखार है या लक्षण वैसे हैं दुर्भाग्यपूर्ण, वो बड़ी सोसाइटीज में, हाई क्लास सोसाइटीज के लोग भी तभी अस्पताल जा रहे हैं जब पुलिस आ रही है उनको लेने, घर घर पूछा जा रहा है, दुर्भाग्य देखिए, मतलब ये क्यों होना, क्यों करना पड़े, इसका संज्ञान नहीं कराती हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को, तो मतलब मैं इसका मतलब मैं मौत बांटना चाहती हूँ अमिताभ जी। हम इस समय व्यक्तिगत जिम्मेदारी से, हम इस देश के नागरिक हैं, जहाँ संविधान हमारे हमारे लिए हमारे अधिकार नियुक्त करता है, वही देश के प्रति हमारे कर्तव्य भी नियुक्त करता है संविधान, तो उसमें हमें खुद कॉग्निजेंस लेकर हमें आगे आकर कहना चाहिए था कि हम बीमार हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ऐसा नहीं हुआ, और ये इंटेंशनली किया गया। जब जिहाद से हम जब कोरोना से लगभग जीत की तरफ थे, उस समय ये जो जमात निकली इसने ये तय कर दिया कि यहाँ जिहादी मनोवृत्ति के लोग सिर्फ मौत बांट सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चेतनानंद जी एक चीज और कहूं जी, ये मरकज का मामला तो खैर जैसा है वैसा है, देश जान ही रहा है। नोएडा में एक कंपनी थी इसलिए कह रहा हूं कि अब सीज हो गई कल, उसका नाम था सीज फायर। उत्तर प्रदेश भर में जितने कोरोना पॉजिटिव, उसके ठीक आधे अकेले नोएडा से, और नोएडा में जितने कोरोना पॉजिटिव उसके ठीक आधे उस कंपनी की देन है। उस कंपनी ने, उसके मालिकों ने भी अंत तक ये छुपाए रखा कि उसके तमाम एम्प्लॉयज सीरियसली इल है,
उनमें कोरोना के लक्षण हैं, क्योंकि वहां लंदन से कुछ लोग आए थे, कुछ दिन रहे थे साथ। गाजियाबाद की एक सोसाइटी है, सुनिए सुनिए भाई सुनिए, गाजियाबाद की एक सोसाइटी है मोहन नगर में, उस सोसाइटी में उसी कंपनी में काम करने वाले एक सज्जन रहते हैं, उनसे उनकी पत्नी को हुआ, पत्नी के सामाजिक व्यवहार के चलते सोसाइटी के 32 लोगों को हो गया कोरोना। एक सोसाइटी से 32 लोग हॉस्पिटलाइज कराए आज पुलिस ने। ये लोग भी कुछ कुछ मरकज वाले ही लग रहे हैं मुझे, सब गलत तो नहीं कहा अमिताभ जी? जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके लिए कोई किंतु परंतु इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे देश दो का मामला है, देश दो है ये, क्योंकि मौत जो भी बांटने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये वही मैं करो, सिविल सोसाइटी के सब वर्ग के भी जो लोग हैं वो भी इसके दोषी हैं। आलोक अवस्थी जी, ठीक ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक बात है, जितने जल्दी लोग समझ जाएंगे ये हम लोग इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। पूरा देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई है इसकी वजह से, प्रोडक्शन बंद हो गया है, लोगों का काम काज बंद हो गया है, घर में बैठे हुए हैं। अगर इस तरह के लोग उदंडता करेंगे अनजाने में या जान करके इस तरह का प्रयास करेंगे कि बीमारी फैले, तो फिर तो ये अनगिनत समय के लिए देश बंद हो जाएगा और सख्ती करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि हम किसी को भी किसी की जान से खिलवाड़ करने तो नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला कोई मजहबी नहीं है, ये मानवता के विनाश का मामला है, तो मानवता को पहले बचाया जाएगा, उसके बाद बाकी चीजें देखी जाएंगी। और आप देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने काफी कई कड़े कदम उठाए, आज सैलरी सबके अकाउंट में चली गई 1 तारीख को, आज करीब 52,000 टन खाद्यान्न जो है आज बांटा गया है, जिसमें करीब 30,000 मीट्रिक टन का जो है गेहूं और 21,000 मीट्रिक टन चावल बटा है। किराना स्टोर्स के माध्यम से, होम डिलीवरी के माध्यम से काफी लोगों को घर पे चुके रहे उनके घर में चीजें डिलीवर की जा रही है। 6 लाख खाने के पैकेट ऐसे असहाय लोगों को बांटे गए हैं जो कि विभिन्न जगहों पर हैं और बस्तियों में जहां पर कि वो, हाँ ये तो है भाई, ऐसे 6 लाख खाने के पैकेट बांटे गए। तो ये सारा भार आ रहा है एक तरीके से सरकारों पे और सरकारों के बाद फिर जनता के ऊपर। तो हमें समझना चाहिए कि हमको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात निकालना चाहिए, नहीं तो हम आइस एज की जाने की तैयारी कर ले और ये खाली हम नहीं जाए। बिल्कुल, और आलोक जी शासन से लेकर प्रशासन तक पूरी तरह से कोशिशों में जुटा हुआ है, और अब एक और तरफ हमें रुख करना पड़ रहा है कि ऐसे जमातियों को जो और लोगों तक इसको ना फैला सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। बिल्कुल सर, मैं आपके पास एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर चर्चा तो बहुत हमने की, लेकिन सवाल यहाँ पर अभी आपसे आखिरी में यही चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले एक मौलाना हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु का ये कहना था कि ये लोग अपने आप बाहर भी निकल रहे हैं, दहशत है। तो मैं चाहूंगी कि आखिरी में आप संदेश क्या देना चाहते हैं और क्या दहशत है वो भी समझना चाहेंगे सर आपसे। देखिए, मुझे लगता है कोई सरकारी प्रयास, वो केंद्र का हो, वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो या किसी राज्य सरकार का हो, तब तक बहुत सफल नहीं हो सकता, खासतौर पर इस महामारी में, जब तक जमाती जैसे लोग सक्रिय रहेंगे या जब तक वो लोग भी सक्रिय रहेंगे जो अपनी बीमारी छुपा के घर में पड़े हैं और लोगों के बीच में उठना बैठना जारी रखे हैं। मैं फिर कह रहा हूं जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, सीमा पर युद्ध लड़ना सरल है, कोरोना से युद्ध लड़ना कठिन है। अदृश्य शत्रु से लड़ना, चाणक्य ने कहा, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध होता है। कोरोना की कोई आकृति नहीं, कोई प्रकृति नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई शरीर नहीं, एक संक्रमित व्यक्ति ने कुछ छुआ, आगे बढ़ गया, आपने उसको दोबारा छू लिया, आप संक्रमित हो गए, इतनी सी बात है। इस बात को सरकारें कुछ शीर्षासन कर लें तब भी 100% परिणाम नहीं आ सकते,
जब तक ऐसी मूर्खताएं इस देश में होती रहेंगी, ऐसा पागलपन होता रहेगा। मैं हैरान हूं, नोएडा और गाजियाबाद में भी पुलिस को केस ट्रेस करने पड़ रहे, और मरकज वालों ने तो देश का माथा ही झुका दिया। पूरे देश में भय की एक लहर व्याप्त करती, पूरे देश की सांसें उखाड़ने की कोशिश करती। भला हो अंडमान की सरकार का जिसने चिट्ठी भेजी, नहीं तो पता ही नहीं लगता। विस्फोट होता तो समझ आता कि अरे ये चाइना कैसे हो गया। और अभी भी आप उनको पकड़ सकते हैं जो तबलीग में होकर गए थे जमात में, लेकिन वो कितनों से मिले ये कैसे जानेंगे। वो खतरा तो उठाना पड़ेगा, उस खतरे के साथ भारत को इस युद्ध में अब आगे बढ़ना होगा, बिल्कुल, और लड़ना होगा। इसीलिए हम कहते हैं छुपिए मत, सामने आइए। आप सामने आएंगे, खुद बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, ये देश बचेगा। धन्यवाद, बिल्कुल शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आप छुपिए मत, सामने आइए। तो चलिए मिलकर कोरोना को हराएं, अपने आप भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। इसी के साथ आओ बात करें, मैं बस इतना ही, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए आर9 टीवी, सिर्फ खबर के लिए।